नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के मधुबन पक्के पुल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक I-20 गाड़ी है जिसकी ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो इस तरफ का हिस्सा है वो बुरे तरीके से डैमेज है, जो हैंडल्स हैं वो तक उखड़ चुके हैं, वो तक बाहर गिर चुके हैं। और ऐसे में देखिए पिछला जो गाड़ी का यानी कि दरवाजा है वो खुला हुआ है, और गाड़ी है DL नंबर जिसमें 4 लड़के सवार थे, DL8CAE8379। हालांकि चारों को बताया जा रहा है कि ज्यादा चोट फीट नहीं आई है, और ऐसे में वो लड़के भी मैं दिखाना चाहूंगी। सामने ही आप देख सकते हैं ठेले पर ही फिलहाल वो चाय पी रहे हैं, और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ ही जा रहे थे। इस तरफ देखिए DL 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंच चुकी है, और समय से आकर गाड़ी को साइड में लगवा दिया गया है। और जो ट्रक है सामने आप देखिए, थाना मधुबन है और थाना मधुबन के अंदर ट्रक को ले जाया गया है। हालांकि ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है या नहीं गया इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, वो पुलिस ही जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए गाड़ी के जो टायर्स हैं, गाड़ी बिल्कुल अगले हिस्से से मैं दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल नीचे लग चुकी है गाड़ी। देखिए गाड़ी चलने की हालत में नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बुरे तरीके से नीचे लग चुकी है, गाड़ी के टायर बुरे तरीके से फट चुके हैं। और ये देखिए फटे हुए टायर आपको दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ी एक हिस्से से बुरे तरीके से डैमेज है ना, इस गाड़ी को अब यहाँ से ले जाया जा सकता है। और जो यानी कि जो लोग थे इस गाड़ी में उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आसपास के भी लोग हैं। भैया क्या जानकारी हादसे के बारे में? मैडम ऐसा है, ये जो पुल है यहाँ पहली बात तो सर्विस पुल होना चाहिए, सर्विस पुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पहला हादसा नहीं है। हर हफ्ते कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होता रहता है, कोई ऑटो में, कोई बाइक पे हो, कोई गाड़ी हो, यह आम बात है। ये कैसे हुआ हादसा? इसके बारे में जानकारी नहीं, ट्रक से बता रहे टक्कर, ऐसा बता रहे हैं ट्रक से है जो यहाँ से। आपने देखा था? आपने देखा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सतीश कुमार है। किससे हुआ? ट्रक से, वो खड़ा है ट्रक अंदर ले गए पुलिस वाले, हाँ मधुबन ले गया पुलिस वालों ने, जाम लग गया था ना, हाँ ड्राइवर को भी पकड़ लिया, दोनों ही बैठ रहे थे ना, वो गाड़ी वाला भी, वो भी दोनों ही बैठ रहे थे, ये इसलिए जाम लग गया ज्यादा। इनके पास भी चले जाते हैं और इनसे देख लेते हैं अगर कोई बात करेगा या नहीं करेगा। और आप देखिए कि सामने बैठे हुए हैं फोन पर, हालांकि बातचीत कर रहे हैं, यही आई थिंक वो दो लड़के हैं जो इस गाड़ी में मौजूद थे। भैया क्या नाम है भैया आपका? विकास। एक मिनट होल्ड करना, इन्हें जरा इंटरव्यू दे दूं पहले। मैं विकास, कहाँ से है? मैं दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? चंडीगढ़ से दिल्ली। किसके साथ हुआ ये हादसा? मेरे साथ हुआ। नहीं, किसके साथ? यानी गाड़ी को ट्रक वाला था। हाँ जी। कैसे दोनों दिल्ली की तरफ जा रहे थे? हाँ जी। तो कैसे हो गया, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं, मैं अपनी लाइन में था, वो अपनी लाइन में था, फिर पता नहीं ओवरटेक करते हुए या कैसे साइड लग गई? साइड लगी, ओवरटेक तो नहीं हुआ, मैं वो राइट में था, मैं लेफ्ट में था। किसी को चोट वगैरह भी आई? नहीं, चोट वगैरह। जने थे आप लोग? हम चार थे, चार लड़के थे। हाँ जी, चार। चोट वगैरह नहीं? नहीं नहीं। पुलिस आ गई थी मौके पर? हाँ जी, पुलिस आ गई थी मौके पर। अब जाने का कुछ इंतजाम किए वापस? अभी फोन किए, आ रहे हैं घर से, आ रहे हैं घर से, आ रहे हैं परिवार से आ रहे हैं। और जो इनके परिवार के लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी, हादसा हालांकि करनाल के पास मधुबन पक्के पुल के पास हुआ है, लेकिन चारों के चारों लड़के बिल्कुल सुरक्षित हैं और चारों जा रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली। ऐसे में DL 112 की टीम भी आप देखिए मौके पर पहुंच जाती है, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। हमारे साथ गोवर्धन सिंह जी भी हैं। गोवर्धन जी, क्या जानकारी इस पूरे हादसे के बारे में? ये एक्सीडेंट होया थी, मतलब जैसे हमारे पास कॉल गई ना, मौके पर आए तो कार और ट्रक का एक्सीडेंट था, बाकी किसी को चोट है नहीं, ट्रक थाने में भेज दिया, गाड़ियाँ खड़ी है। ये चारों दोस्त हैं आप? हाँ, चारों ये जॉब करते हैं, चंडीगढ़ से आ रहे थे और दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे? हाँ। चारों ठीक हैं? चारों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हादसा किस कारण? ये कोई ब्रेक ब्राक ले लिया ट्रक वाले ना, तो इस कारण हुआ, बाकी चोट नहीं किसी को भी। ट्रक वाले को पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, ट्रक थाने में। ट्रक थाने में? हाँ जी, जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर लोगों का आसपास का कहना है इधर कोई सर्विस लाइन वगैरह जरूर होनी चाहिए, कोई अलग से लाइन? सर्विस लाइन तो है, भी लोग भी तो रॉन्ग साइड आते हैं ना, नहीं आना भाई, खुद भी तो लोगों ने सोचना चाहिए ना भाई, रॉन्ग साइड आना नहीं चाहिए, तो लोग भी आते हैं, तो देखो यहाँ कितनी पुलिस खड़ी, फिर भी नहीं रुक रहे। हर हफ्ते हादसे होते हैं? हर हफ्ते हादसे होते हैं, अब भी देखो ना रॉन्ग साइड कितने पब्लिक मान नहीं रही। देखिए अभी भी रॉन्ग साइड आ रही है पब्लिक, अभी भी रॉन्ग साइड आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के मैं कर्मचारियों की बात करूं, कर्मियों की बात करूं, तो देखिए वो भी यहां पर मौजूद हैं, और वो भी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चल पाए उसको लेकर लगातार
कोशिश कर रहे हैं। ये रॉन्ग साइड गलत है जी, एक्सीडेंट होने का खतरा है जी, फिर भी पब्लिक नहीं मानती जी। आप हमेशा ही खड़े होते हैं समझाते हैं, लेकिन जी नहीं मानते मैडम, ये बेवकूफ है जी, बताओ इसको। हाँ जी जी बिल्कुल, इसी वजह से हादसे होते हैं, हालांकि लोगों को समझाया जरूर जा रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस किस तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रही है, जो भी लोग यहाँ से रॉन्ग साइड जा रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि यहाँ से रॉन्ग साइड ना जाएं, क्योंकि ये रॉन्ग साइड जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको गाड़ी एक बार फिर से दिखा रहे हैं, दिल्ली नंबर गाड़ी थी, आप देख सकते हैं किस तरीके से एलॉयज, जो गाड़ी के एलॉयज हैं वो भी टूट चुके हैं, एलॉयज टूट गया। I-20 गाड़ी है, DL8C AD8379 I-20 स्पोर्ट्स गाड़ी है, जो एक ओवरटेकिंग ट्रक वाले ने ब्रेक मारी, जो डायल 112 की टीम से हमें पता लगा कि ट्रक वाले ने ब्रेक मारी, जिस वजह से ओवरटेकिंग में दोनों ट्रक और ये घसीट गए हैं। और बता दें कि ट्रक वाले को पकड़ लिया गया है मधुबन में, उसका ट्रक खड़ा किया गया। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए। अभी भी आप देख सकते हैं लोग नहीं सुधर रहे, अभी भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दो बाइक चालक जो रॉन्ग साइड गए हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करिए और समझे इस बात को कि रॉन्ग साइड जाएंगे तो हादसे जरूर होंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करिए और देखते रहिए IBN 24। मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा, आप लोगों के साथ, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।